हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा वार्डरोब टूर। तो मैं जॉब करती हूँ, ऐसे मुझे रोज़ कपड़े निकालने होते हैं, रखने होते हैं, तो मेरा वार्डरोब हमेशा ऑर्गेनाइज रहे उसका मैं ख्याल रखती हूँ। वार्डरोब को मैं कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वुडन का वार्डरोब है मेरा और 3 डोर्स है। तो फर्स्ट सेक्शन में पड़े हैं मेरे सारे पर्स। तो मेरे पास पर्स का बहुत ही अच्छा खासा कलेक्शन है। मैं जिस तरह से कपड़े पहनती हूँ उसी हिसाब से मैं पर्स भी लेती हूँ। ये पिंक कलर के पर्स के अंदर भी छोटे छोटे पर्स रहते हैं और काफ़ी सारे पर्स तो मेरे अभी पन्नी में ही पड़े हैं जो मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किए हैं। तो मुझे ऐसे अलग अलग पर्स कैरी करना बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आते हैं नीचे वाले सेक्शन में। तो नीचे वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पे रखी है ऐसे बास्केट में कुर्तियाँ। तो कुर्ती को मैं ऐसे ही फाइल सिस्टम में फोल्ड करके रखती हूँ ताकि जैसे एक कुर्ती निकालूँ तो दूसरी कुर्ती डिस्टर्ब नहीं होवे। इसके लिए मैं ऐसे ही सारी कुर्तियाँ और टी शर्ट मैं ऐसे रखती हूँ बास्केट में। और बास्केट भी मैं हैंडल वाली यूज़ कर रही हूँ ताकि उसको निकालने में और रखने में बहुत ही आसानी रहे। और यहाँ पे मैं रखती हूँ ऐसे कपड़े जो मैंने एक बार पहने हैं और अभी दूसरी बार पहनने के बाद मैं धोऊंगी। तो ऐसे कपड़े मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और ये है मेरे सारे नेल पेंट। तो मुझे नेल पेंट्स करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे है 2 ड्रॉवर। तो ये ड्रॉवर में मैं एक्स्ट्रा जो रुमाल होते हैं मेरे वो रखती हूँ। और यहाँ पे है मेरे सारे ज्वेलरी के जो मेरे पास बॉक्स है वो मैं रखती हूँ। मेरे पास ऐसे 3 सेट में ज्वेलरी बॉक्स है। तो उसमें मैं मेरी इयर रिंग्स, मेरी फिंगर रिंग्स वगैरह मैं यहाँ पे रखती हूँ। मेरा पासपोर्ट यहाँ रहता है। और उसके नीचे वाले सेक्शन में मैंने सारे गाउन रखे हैं। तो जो पार्टी वेयर गाउन है मैं कभी कभी पहनती हूँ उसको मैं नीचे रखे हैं। और मैं जो शॉप पे डेली में पहन के जाती हूँ तो वो मैंने ऊपर रख दिए हैं ताकि निकालने में आसानी रहे। और उसके पास में रहती है मेरी फेवरेट साड़ियाँ। तो मुझे साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। मेरे पास हर तरह की साड़ी है, सिल्क की साड़ी, बनारसी साड़ी, खादी की साड़ी, पुमपुम साड़ी, बहुत सारी साड़ियाँ हैं। बांधनी की साड़ी है मेरे पास, मेखला चादर है मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनना। वार्डरोब में गंदी बास नहीं आवे इसके लिए मैं यहाँ पे फिनाइल की गोली रख रही हूँ। और नीचे लास्ट सेक्शन में रखती हूँ मैं यहाँ पे अनारकली कुर्तियाँ। और यहाँ पे रहते हैं मेरे जो सेट वाले कुर्ते होते हैं जिसमें प्लाजो पायजामा होता है, वो वाले सेट यहाँ मैं रख लेती हूँ ताकि ढूंढने में बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पे रहता है मेरा ज्वेलरी बॉक्स और बैंगल बॉक्स। तो उसमें मैंने बहुत सारी ज्वेलरी रखी है ऑक्सीडाइज की। और ये है मेरी बैंगल्स। मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक है तो साथ में मैं बैंगल्स भी पहनती हूँ। Thank you.
ओपन करते हैं मेरा ये सेकेंड वाला डोर। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में रहते हैं मेरे सारे नाइट ड्रेस और मेरे घर में पहनने वाले फ्रॉक्स। तो नाइट ड्रेस भी मैंने ऐसे ही बास्केट में ऐसे फाइल सिस्टम फोल्ड करके रखा है ताकि निकालते वक्त पूरे जो कपड़े हो ख़राब नहीं होवे। इसके नीचे वाले सेक्शन में रहते हैं मेरे सारे नए कपड़े जो मैं त्यौहार में ही पहनती हूँ। और काफ़ी सारे कपड़े तो ऐसे ही है मैंने अभी तक पहने भी नहीं है, तो अभी नेक्स्ट जो त्यौहार आते रहेंगे उसमें पहनती रहूँगी। इसके लिए मैंने अलग से सेक्शन बना के रखा है ताकि मुझे पता रहे कि कपड़े पहनने हैं। और ये है मेरा लॉकर, तो इसमें रहती है मेरी सारी ज्वेलरी। मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बहुत शौक है, इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा खासा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन भी है। और इसके नीचे सेक्शन में रहती है मेरी सारी जीन्स और ये एक्स्ट्रा दुपट्टे। तो नीचे वाले सेक्शन में रखे हैं मेरे सारी साड़ियों के पेटीकोट्स, तो मैचिंग पेटीकोट सबके होते हैं। और ये मेरी मैरिज की साड़ी है तो मैं अभी पहनती नहीं हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे रख दी है। बस एक दो बार मैंने पहनी होगी, उसके बाद मैंने अभी तक टच भी नहीं करती हूँ मैं, इसके लिए मैं नीचे रख देती हूँ। यहाँ पे सारे मेरे ब्लाउज रहते हैं तो ऐसे ब्लाउज कवर में रखती हूँ सारे ब्लाउज।